डोईवाला के एसडीएम पीजी कॉलेज डोईवाला में 7 नवंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस नामांकन प्रक्रिया में एनएसयूआई और एबीवीपी ने सभी पैनल पर अपने उम्मीदवार के नामांकन पत्र जमा किए हैं। वहीं नामांकन पत्र भरने से पहले सभी प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन कर अपने छात्रों से अपने अपने पक्ष में वोट करने की अपील की है। वहीं अध्यक्ष और महासचिव पद के लिए 3-3 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इसके साथ ही एनएसयूआई अपनी जीत को निश्चित मान रही है, तो वहीं कॉलेज के प्रधान आचार्य डीसी नैनवाल ने सभी छात्रों से लिंग दोह समिति की सिफारिश का भी पालन करने की अपील की है, साथ ही वोट करने की अपील की है। कॉलेज में कई समस्याएं हैं जिनका समाधान करने का प्रयास करूंगी, और साथ ही कॉलेज में पढ़ाई को लेकर भी काफी समस्या है, क्योंकि काफी बच्चे बोलते हैं क्लासेस वगैरह होती नहीं है, तो प्रयास करूंगी कि वो समस्याएं भी समाप्त हो जाए। मैं सभी छात्र छात्राओं से अपील करती हूँ कि जो लिंक दो की सिफारिश है, आज दिनांक 4/11/2023 को नामांकन है मेरा कि कॉलेज में। मैं चाहता हूं कि सभी छात्र छात्राओं से कि मुझे अपना सहयोग दें, तथा मैं छात्रों छात्राओं के हित के लिए सदैव आगे रहूंगा तथा उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा, और अपने जो कॉलेज है उसका चुनाव के लिए निश्चय ने अपने पूरे पैनल के साथ नामांकन पत्र किया, और सभी प्रत्याशियों ने पूरे दम हम के साथ अपना यहाँ पर नॉमिनेशन किया। और बड़ा खुशी का विषय है कि हर छात्र खुद घर से निकलकर एनएसयूआई को समर्थन देने आया, बड़ा हर्ष का विषय है। और करीबन 70% छात्राएं हमारे जो प्रत्याशी उनको समर्थन करने के लिए बाहर निकली, और जो आज मुझे यहाँ पर माहौल लगा उससे निश्चित लग रहा है कि